तो हेलो यारो, लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए कोबरा की एक और नई वीडियो। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट कर लेना जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और फॉलो कीजिए मेरे। कौन है वो असैसिन जिसने हमारा सारा सामान लूट लिया है? पता नहीं बॉस कौन है, छोड़ेंगे नहीं उस कुत्ते को। एक बार वो मिल गया ना साले को छोड़ूंगा नहीं। कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हो तुम? कौन है बे तू? मैं हूँ असैसिन जिसका तुमने गांव जलाया था, और अब मैं तुझे जलाऊंगा अपनी क्रोध की अग्नि से। ये ले कुत्ते, सालो दो मिले हुए थे, छोड़ूंगा नहीं कुत्ते, मार डालूंगा एक एक को। जानते नहीं हो मेरे बारे में तुम लोग, मैं क्या चीज हूँ? असैसिन हूँ मैं, असैसिन। मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गया कि मैं कुत्तों को मार सकूँ। ये ले कुत्ते, मार मेरे हाथों से, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, एक एक को भून भून के चलूंगा। गलती कर दिया इन लोगों ने मेरे गांव को जलाकर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का हाथ है उसके पीछे। कोई और भी बड़ी साजिश है इसके पीछे, छोड़ूंगा नहीं जो भी इसके पीछे है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार पाओगे? तुमने हमारे भाई को मारा है कोबरा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तेरे भाई के साथ मुझे तुझे भी टपका देना चाहिए था, तभी अच्छा होता। लेकिन चल, तू आज आ गया है ना, तो तेरी ये ख्वाहिश भी मैं आज पूरी करूंगा। अच्छा ये बात है, उड़ा डालो इस कुत्ते को, ची डालना। मुझे मारोगे तुम लोग? ये लो, भून कर रख दूंगा मैं तुम्हें। गुड़ी गुड़ी तुम कभी मार डालेंगे, छन्नी छन्नी कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे पल्ले तब बात पड़ेगी ना, तब मेरी गोली तुम्हारी खोपड़ी के आर पार जाएगी। मर गए सारे, बड़े हमसे बदला लेने वाले, इन्हें पता नहीं कि बाप से कभी पंगा नहीं लिया करते, और हम तो वो है जिसके आगे बड़े बड़े सिर झुका देते हैं, और ना झुकाए ना तो फिर हम उसका गला काट देते हैं। अरे यहाँ क्या हुआ है, इतनी तबाही किसने की होगी? कौन आया था साला जो इतनी तबाही करके चला गया है? अरे देवा मेरे भाई, ये क्या हो गया है तुझे? उठ रे भाई उठ, ये कौन होगा साला जिसने मेरे भाई को मार दिया है? छोड़ूंगा नहीं उसे भाई, तेरे भाई की कसम खाकर बोलता हूँ भाई, मार डालूंगा उस कुत्ते को जिसने भी तुझे मारा है भाई, छोड़ूंगा नहीं उसे। वो जानता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, रुद्र हूँ मैं, रुद्र यहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर, और मेरे भाई के साथ जिसने भी पंगा लिया ना उसे मैं काट डालूंगा, काट भाई। अब देखना कि मैं कैसी तबाही करता हूँ, अब मुझे अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा इस शहर को कि क्या कर सकता है रुद्र। जब रुद्र को गुस्सा आता है ना तो वो महाकाल बन जाता है, और वो काट डालता है जो भी उसके रास्ते में आता है। भाई तेरी मौत का बदला लेऊंगा मैं, जो रहा हूँ भाई अभी मैं माऊंगा, लेकिन उस साले को मार के जिसने तुम्हें मारा था भाई, छोड़ूंगा नहीं कुत्तों को, काट डालूंगा काट। अरे जी भैया, आज सुबह सुबह कोबरा कहाँ चला गया है? अरे तुम चिंता मत करो यार, उसका कुछ काम था, निपटा कर आता ही होगा। अरे वो तो है ना भैया, लेकिन मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, उसके दुश्मन कितने ज्यादा हो गए शहर में। अरे अरे क्या बातें चल रही है तुम दोनों में? अरे कोबरा तुम्हारी बातें चली हुई थी। अरे तुम भी ना सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था और तुम यहाँ से गायब हो गए थे। अरे यार तुम्हें पता ही है कि मेरे सिर कितनी बोझ है, और मुझे इस बोझ को हल्का करने के लिए किसी न किसी को तो पीटना ही पड़ता है, नए दुश्मन आते ही रहते हैं। हाँ वो तो है। हाँ चलो हम खाना खाने चलते हैं, अब तुमने ठंडा हो गया होगा। हाँ वो तो है, लेकिन अभी मैंने अब गर्म करना पड़ेगा फिर से, तुम्हें पता ही है। अरे बाल तू चिंता क्यों कर रहा है बे, मेरे साथ चल हम होटल में खाते हैं भाई भाई। अरे ऐसा नहीं भैया, रुको मैं गर्म कर देती हूँ, तुम भी ना जय भैया कोबरा को बिगाड़ रहे हो। अरे हाँ मेरे भाई, तुम्हारी बहन ने कितने अच्छे से खाना बनाया है, उसके हाथों का खाना तो खाना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी मेरे साथ। हाँ वो तो है, सही कह रहे हो।
अरे भाई तू मुझे भी पिसा दे रहा यार, तुझे पता है कि भाभी कैसा खाना बनाते हैं, मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे ऐसा मत कहिए भैया, रुकिए मैं भी गर्म कर देती हूँ। अरे तुम भी बहुत मजाक किया हो। हाँ रुको अभी बनाती हूँ, गर्म कर देती हूँ। अरे जोकर भाई तुम्हें मालूम है क्या, हमारे भाई को मार दिया है। हाँ भाई। तो ये है वो जगह जहाँ मुझे जाना है, चलता हूँ अब। अरे भाई इसका मौत का बदला लेना पड़ेगा हमें। ओ भाई सही कह रहे हो तुम, साले को छोड़ेंगे नहीं, एक बार मिल गया ना। हाँ काट डालूंगा मैं उसे, तो देखना कैसे काटता हूँ तुम, अभी देखना। अरे किसकी बात चली हुई है। अबे तू कौन है भाई? वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैंने ही मारा है तुम्हारे बड़े भाई को। तो तूने मारा है हमारे भाई को, अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा बे। सही हुआ जो तू यहाँ मरने आ गया। अच्छा तो ये बात है, अब तू भी मरेगा कुत्ते मेरे हाथों से। ये ले। बता बे कौन था मेरे गांव को जलाने वाला, जल्दी बता। अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जल्दी बता जल्दी। कोबरा था वो, कोबरा था, हमें जाने दो। अच्छा ये ले तो। साला वो कोबरा हमसे शहरी दिखा रहा है, मेरे गांव को जलाया है उसने, उसे भी काट डालूंगा। हमारी क्या गलती थी जो हमें उसने मार डाला है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कोबरा को और इस क्लॉक टावर को भी, तबाह कर दूंगा दोनों जगह को। दिखाऊंगा कि एसोसिएशन क्या कर सकता है, जब हमें गुस्सा आता है ना तो हम मारते नहीं, जान से ही मार डालते हैं लोगों को। अब देखना क्या करता हूँ मैं, टांगे नहीं तोड़ता हूँ मैं, गला काटता हूँ। आजकल क्लॉक टावर में काफ़ी शांति छाई हुई है, अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई हमला नहीं हो रहा है। अरे बताना पड़ेगा भाई को। अरे कोबरा भैया। अरे हाँ भाई जय बोलो, क्या बात है। अरे कोबरा भैया तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, कोई नया गुंडा आया है शहर में एसोसिएशन करके, उसने सभी को मार रहा है वो एक एक करके। क्या नया गुंडा आया है, तभी समझूं कि ये तूफान से आने वाली पहले आने वाली खामोशी है। हाँ भैया वो ही सही है भैया, वो आपको भी मारने आ रहा है यहाँ पर। हमें मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है जय, जब तक यहाँ के क्लॉक टावर के बासी जिंदा है ना, हमें भगवान भी नहीं मार सकता। सही कह रहे हो भाई, भाई अब आपको ही हमें बचाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, ये जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। अरे ये कोबरा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला जाता है। चिंता क्यों करते हो आज तुम, आ जाएगा। अरे भैया चिंता तो होगी ना, उसके कई दुश्मन हैं, तो कहीं उसे मार ना डाले। बाबे चिंता तो दुश्मनों को होनी चाहिए, क्योंकि कोबरा क्या ना उन्हें मारने आ रहा हूँ मैं। अबे कौन है बे तू? अबे कौन है बे तू, चलो जाए यहाँ से। हम पूछ रहे हैं कौन है तू, हमें जवान दे रहा है साला कुत्ता, ऐसे ऐसा जवान लगाएगा, जानता नहीं हमारे बारे में क्या, हम क्या चीज है। अरे बाबू बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या नहीं, अंदर आ गए हैं हम कुत्ते, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ पर है कोबरा? साला बता नहीं पाता है वो, उसे हम काट डालते हैं। अबे लोंडी अब तुझे लेकर जाएंगे अपने साथ, तभी कोबरा हमारे अड्डे पर आएगा। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें कोबरा छोड़ेगा नहीं अगर तुम्हें मुझे ले गए तो। इसलिए तो तुम्हें लेकर जाएंगे हम यहाँ से, ताकि कोबरा हमारे पास आए। उस कोबरा जब हमारे पास आएगा ना तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, वही गाड़ देंगे जिंदा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि कोबरा काफ़ी शक्तिशाली है, अगर वो आ गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा लग जाएगा पता कि कौन क्या करता है। सालिया अब तुझे तो लेकर जाऊंगे यहाँ से, तभी पता लगेगा कि कोबरा को कि क्या चीज़ हूँ मैं। साला कोबरा हमसे शारी दिखा रहा है, मेरे गांव को जलाया उसने, छोड़ूंगा नहीं उस कुत्ते को, काट डालूंगा। अरे बेटू क्या हो गया इधर, अपने भाई को उसने मारा होगा, अपन छोड़ेगा नहीं उसको, काट डालेगा, क्योंकि अपन रेड जोकर है, रेड जोकर जो मारता कम है किसी तरह ज्यादा है। अबे जोकर तू यहीं मिल गया। अबे कौन है कोबरे? मैंने सुना है कि वो सेशन तुम लोगों के पीछे पड़ा है और तुम लोगों को नहीं छोड़ता, इसलिए मैं तुम्हारे ठिकाने पर आया हूँ। अबे गलती कर दी भाई तुमने मेरे ठिकाने पर आकर, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं अब। अबे तू भी तो गंदगी है, वो ना मिला तो तू ही मिल गया, तुझे ही खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा ये बात है, तुझे शायद पता नहीं है कुत्ते वो क्लॉक टावर गया है तुझे पकड़ने, और वहीं तुझे काट डालेगा। क्या क्लॉक टावर गया है बेसाले वो? हाँ तुझे पता नहीं होगा शायद। साले तो पहले क्यों नहीं बोला तूने मुझे?
क्यों पहले कह लगा? बड़ा आया हमसे उछलने वाला, इसे तो टपका दिया। अब बस उस असैसिन की बारी है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने कुछ क्लॉक टावर में ऐसा वैसा किया होगा ना, तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा मुझे, क्योंकि हम हैं कोबरा। अरे ये क्या, किसने मारा होगा इन्हें? अरे 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 जी, क्या हुआ यहाँ पर? अरे भैया क्या बताए तुम्हें, अरे वो असैसिन आया था, उसने सभी को मार डाला है और भाभी को लेकर चला गया अपने साथ। क्या वो तुम्हारी भाभी को उठा कर ले गया? हाँ भैया। साले को छोड़ूंगा नहीं, अब तो उसने हद ही पार कर दी। हाँ भैया छोड़िएगा नहीं, कहाँ डालिएगा उसे? अब उसे हम ऐसी मौत देंगे ना कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। हाँ भैया वैसे ही करना, उसने मेरे भाई को मारा है भैया। हाँ सबकी मौत का बदला लेगा रे ये तेरा कोबरा, तू चिंता मत कर। आया नहीं है अभी तक वो तेरा कोबरा तुझे बचाने, तू तो बड़ी ताने मार रही थी कि वो आएगा बचाने। आएगा कब आएगा वे? जब तेरी डरबोड़ी यहाँ मैं बिछा दूंगा तब। साली कुतिया बड़ी जुबान चलती है तेरी, अब चला कर दिखा। अभी तुम्हें क्या लगता है कि कोबरा नहीं आएगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि वो जब आएगा ना तो वो तबाही मचा के ही जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अच्छा ये बात है, चल देख लेते हैं कि वो क्या उखाड़ सकता है मेरा। आने तो दे उसको, तभी पता लगेगा ना। आ गए हम। किसी ने कहा था कि किसी चीज को सिद्ध से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने की देती है, और देख हम भी आ गए हैं तेरे सामने। अच्छा ये बात है कोबरे, आ गया तू ना, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है असैसिन क्या चीज है, तूने मेरे गांव को जलाया बे, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा ना कि तेरी रूह कांप उठेगी। अबे कोबरा किसी भोले भाले मासूम को नहीं मारता, तू फिर भी गांव जलाने की बात कह रहा है? पूछ ले यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, कोबरा ने आज तक एक भी बेगुनाह लोगों को नहीं मारा है। अच्छा ये बात है, ये बेवकूफ किसी और को बनाना वे कुत्ते। अब तेरी इस माशूका को भी मारूंगा और तुझे भी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। ओह तो तुझे किसी ने पट्टी पढ़ाई है, तो ठीक है तेरे पट्टी उतारने मुझे आती है अच्छी तरीके से। कोबरा छोड़ना मत से, मार डालना। तुम चिंता मत करो केली, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। अबे कुत्ते तुम लोग क्या छोड़ोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मारो वैष्णव बॉस को, मार डाला। ये ले ले। तुम भी नहीं बचोगे वे चमचो। जो बुराई का साथ देता है ना, वो भी उतना ही भागीदारी होता है पाप का, और तुम भी भागीदारी हो। तुझे गोली से भून डालूंगा मैं कोबरे। अबे साले तुझे पता नहीं कि कोबरा को गोली का कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ होता है बे। ये ले। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं भून डालूंगा अपनी गोली। ये ले बे। बहुत बड़ा आया हमको मारने वाला, हम जब आते हैं ना तो गर्मी ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि हम उबलते हुए ज्वालामुखी है जो कभी भी किसी भी वक्त फट सकता है। अरे किली ये तुम्हें क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है ना, मेरे इतने दुश्मन होते और ना आज तुम यहाँ मरी पड़ी होती मेरे सामने। अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने बेटे को? हमने उसे झंझटों से दूर दूर कहीं पढ़ने भेजा था, लेकिन जब वो वापस आएगा तो क्या कहेगा, कहाँ गई उसकी माँ? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा केली, मैं अब ये सारे काम छोड़ दूंगा केली, अब मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। क्योंकि अब मैं अपने दुश्मनों की वजह से उसे भी खोना नहीं चाहता केली। मैंने तुम्हें तो खो दिया है, लेकिन अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, इसलिए सबकी भलाई इसी में ही है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं संन्यास ले लूँ केली, संन्यास ले लूँ। दोस्तों आपको पता ही है कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, तो अगर एंड तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे पैर कमेंट कर देना, और लिंक दिया है नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वहाँ फॉलो भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।